नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफोन्यूज यूट्यूब चैनल। 17 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आए पादरी ने इस्लाम कबूल किया, सुनाई आप बीती। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी खबर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 17 महीने बाद कोमा में रहने के बाद कैथोलिक चर्च एक पादरी को जब होश आया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने बताया कि अल्लाह ने उसे जन्नत की खूबसूरती को दिखाया। इंडोनेशिया में ईसाई धर्म का देते हैं उपदेश। स्पेन में रहने वाले 87 वर्षीय पादरी 43 सैलून से इंडोनेशिया में ईसाई धर्म के उपदेश देते आए हैं। उन्होंने कहा कि वह इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते और न ही उन्होंने कभी कुरान पढ़ा, लेकिन उनको खुदा ने कहा वह इस्लाम को माने तो वो अपने जन्नत में भेजेंगे जिसका दरवाजा मेरे सामने था। उन्होंने कहा खुदा ने मुझे अपना नाम अल्लाह बताया। आधे से ज्यादा अनुयायियों ने भी अपना धर्म बदला। उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उनके आधे से ज्यादा अनुयायियों ने भी अपना धर्म बदल कर ककर इस्लाम को अपना लिया। पादरी का मेडिकल में भी अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि उनके अनुयायियों ने अभी से एक मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम को अपनाने वालों में ईसाई हैं। इस खास धर्म के लोगों के द्वारा ज्यादा मात्रा में इस्लाम अपनाने की वजह को तलाश किया गया। जब इस बात पर शोध किया तो पाया कि ईसाई धर्म को मानने वाले का शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इन्होंने इस्लाम को करीब से जान लिया। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।